सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव सत्या वन। मैं हूं आप लोगों का होस्टर दोस्त आरजे सत्या। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं ये कहानी आप लोगों को कुछ मदद दे रही होगी। तो चले गए आज की कहानी उन लोगों के नाम दोस्तों, जो लोग घमंड ज़्यादा करते हैं अपने आप पर, हम बड़ा दिखाते हैं, हम बड़ा उनके लिए है दोस्तों। सो गाइज, ये कहानी दरअसल एक बादशाह की है, एक राजा जिनका नाम था इब्राहिम। सच्ची कहानी है गाइज, जो उनका नाम था इब्राहिम बल्क, इब्राहिम बल्क। जी हाँ गाइज, एक्चुअली वो क्या हुआ कि वो बादशाह थे, लेकिन कुछ दिन बाद उनकी माइंड में कुछ आया कि मैं ऐसे राजा की जीवन और नहीं बिताऊंगा। तो उन्होंने सन्यासी जीवन जापन करने की ठान ली और चले गए घर वार छोड़ के, संसार को छोड़ के तपस्यारत हो गए। कुछ दिन तपस्या करने के बाद एक दिन उनको एक कोई फरिश्ते की जैसे आवाज़ आई कि तू दुनिया में क्यों आया है, तेरी मकसद क्या है। मौत से पहले जाग जा, तू क्यों आया है और क्या करने आया है ये इसको पहले जान। ऊपर वाले ने तुझे क्यों भेजा हुआ है उसको जान। तब वो धड़ाक से उठ गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वो जितना भी अपनी राजा के टाइम पे पाप किए थे सब ऊपर वाले के पैर ऊपर गिर के वहीं पर माफ़ी मांगने लगे कि मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज़िंदगी में बहुत कुछ गलत चीज़ किया हुआ हूँ, बहुत गलत किया हुआ हूँ। फिर एक गुंफा में वो ध्यानरत थे। ध्यानरत क्यों थे कि उनकी क्रोध और उनकी पाप को धोने के लिए, मतलब साफ होने के लिए, और वो उसमें विजय पा गए अपनी काम क्रोध लोभ इससे विजय पाने के लिए सन्यासी के वक्त, और वो हासिल भी किए दोस्तों। उसके बाद वो वही सन्यासी के रूप में वो चले गए, मक्का हज का यात्रा भी की। तब वो आने के बाद एक दिन एक गांव में भिक्षा मांग रहे थे, तब एक पुलिस वाले ने उनको पूछा तू कौन है, तो इन्होंने एक सरल उपाय जवाब दिया कि गुलाम। उसके बाद फिर पुलिस वाले ने पूछा तू कहाँ रहता है, तब इन्होंने फिर बोला कब्रिस्तान में। तब पुलिस वाले ने उनको पीटा बहुत और उनको हाजत में हथकड़ी पहना कर उनको ले गई। लेकिन वहाँ पे जब पता चला कि ये संत इब्राहिम है, तो वो वहीं पे उनको खोलकर उनकी पैरों पर भिक्षा मांगने लगी, अपनी माफ़ी मांगने लगी अपनी। क्यों गाइज, एक राजा को एक सन्यासी बनने में कितना टाइम लगा और वो क्यों भिक्षा मांगने लगा उसको थोड़ा समझिए। तब इब्राहिम जी ने बोला इसमें आखिर भी मांगने वाली क्या चीज़ है, तूने ऐसे शरीर को हथकड़ी लगाया है जिसने बहुत सालों से गुनाह पर गुनाह किया हुआ है। और कुछ टाइम रुककर उन्होंने बोला कि मनुष्य ऊपर वाले के गुलाम है और आखिर में मनुष्य कब्रिस्तान ही जाता है। द मोरल ऑफ द स्टोरी समझिए क्या है, हम आते हैं नंगा और जाएंगे भी नंगा, ये सबको पता है गाइस, मुझे भी पता है। लेकिन मनुष्य की घमंड लोभ और हम बड़ा, यही तीनों चीज के कारण मनुष्य अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाता है दोस्तों। इसीलिए गाइस, पहले अपने आप को जानिए क्यों आपको भेजा हुआ है ईश्वर ने या ऊपर वाले ने, क्यों भेजा है आपको, क्या आपकी मकसद देखकर भेजा है, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ मकसद देखकर ही भेजता है ऊपर वाला। आप आए क्यों हैं, क्योंकि ये संसार तो लोभ माया का संसार है। हम जितना दिन यहाँ पर रहेंगे हम यहाँ पर
खाएंगे पिएंगे रहेंगे, अच्छा घर चाहिए अच्छा चाहिए, लेकिन हम जाएंगे भी नंगा होकर, ये भी याद रखिएगा गाइस, हम जो भी करते हैं ना यहीं पे छोड़ के जाएंगे, क्योंकि हमें लेके कोई नहीं जाएगा ऊपर। सो गाइस हम करेंगे तो सब, क्योंकि हम आए हैं कुछ करने के लिए तो करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा भी काम कीजिए ना कि लोग या बड़ा दिखाने से बड़ा नहीं बन जाता है कोई। दोस्तों बड़ा बनने के लिए दूसरों को बोलना भी चाहिए कि आप बड़े हो गए हो, उसके लिए आपको ऐसे कुछ काम करना होगा जिससे आप बड़ा बनेंगे, लोग बोलेंगे कि आपको बड़ा बाबू। सो गाइज आज की वीडियो इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी दूसरे वीडियो को भी देख सकते हैं, मेरे चैनल का नाम है क्रिएटिव सत्य आह्वान। लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप दूसरों को भी ऐसी मोटिवेशनल वाली वीडियो मिले और वो भी अपनी लाइफ में कुछ कर सके। थैंक यू गाइज़।